नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म दंगल इन दिनों हांगकांग में चल रही है। 24 अगस्त को रिलीज हुई आमिर खान स्टारर इस फिल्म ने 2 सप्ताह में हांगकांग बॉक्स ऑफिस पर 10.95 करोड़ रुपए कमाई की है। इससे पहले इसे चीन में रिलीज किया गया था, तब भी फिल्म ने इतनी जबरदस्त कमाई क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन ने इसे 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नॉन हॉलीवुड फिल्म करार दिया। वैसे कुल ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो दंगल 1981 करोड़ के आंकड़े के साथ बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। टॉप 10 की लिस्ट में खान्स के बीच सिर्फ बाजीराव। ओवरसीज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप फिल्मों की बात की जाए तो इसमें आमिर की 4 फिल्में शामिल हैं। इसी तरह शाहरुख खान की 3 और सलमान खान की 2 फिल्मों ने भी यहां जगह बनाई है। नॉन खान्स में सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्म बाजीराव मस्तानी ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। वैसे नाम अभिषेक बच्चन, वरुण धवन, शर्मन जोशी और आर माधवन का भी लिया जा सकता है, लेकिन वे जिन फिल्मों के एक्टर हैं उनमें लीड रोल या तो आमिर या शाहरुख ने किया है।